लामता को एक अच्छा शहर बनाया जाएगा और उसे एक नई पहचान दिलाई जाएगी। लामता में शहरों जैसी सारी सुविधाएं मौजूद होंगी, जिससे लामता एवं उसके आसपास के गांव का भी तेजी से विकास होगा और इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। लामता को शहर के रूप में विकसित करने पर एक इस क्षेत्र का आर्थिक विकास भी होगा। ये बातें मध्य प्रदेश शासन के आयुष एवं जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर नानो कावरे ने विकास पर्व के अवसर पर की है। 29 जुलाई को लामता, कनारी, दौनी और घुड़सी टोला में 76,10,000 रुपए की लागत के 7 निर्माण कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में ग्रामीणों को उन्होंने संबोधित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आयुष मंत्री कावरे ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि लामता परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसे अच्छे और आदर्श शहर के रूप में विकसित करने का लक्ष्य लेकर वे काम कर रहे हैं। लामता को शीघ्र ही तहसील का दर्जा मिलेगा। लामता में 9 करोड़ रुपए की लागत से 20 विस्तारों का, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का आदि का निर्माण होगा। लामता के इस अस्पताल में बालाघाट के जिला चिकित्सालय जैसी सारी सुविधाएं मौजूद होंगी। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। R9 भारत से बालाघाट से ब्यूरो भास्कर, बालाघाट से ब्यूरो चीफ भास्कर भारद्वाज की रिपोर्ट। आज ग्राम पंचायत के विकास पर्व के इस अवसर पर लामता परिक्षेत्र में ग्राम पंचायत लामता में खैरा ग्राम में लगभग 1 करोड़ रुपए के विकास काम के भूमि पूजन और लोकार्पण करने का सौभाग्य मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के कारण हम सब लोगों को प्राप्त हुआ। ऐसे ग्राम जहां पर पहुंच भीन थे, उन मार्गों को बनाने के लिए, उन मार्गों के निर्माण करने के लिए आने वाले समय में कैसे हो सकता है, उसकी भी चिंता इस विकास पर्व में की जा रही है और जनता की समस्याओं का निराकरण उसी विकास पर्व के माध्यम से जनता का समायोजन भी किया जा रहा है, उनका निराकरण भी किया जा रहा है। आज एक ऐसा वनग्राम जाने का अवसर मुझे मिला जो हमारा मेरा है, लामता से लगभग 5-7 किलोमीटर अंदर गांव है, घना जंगल के अंदर वो गांव है। उस गांव में हमारे प्राथमिक स्कूल है, हमारे मिनी आंगनवाड़ी केंद्र है, बहुत सारे ऐसे सरकारी योजना है जो उन गांव में वनग्राम होने के कारण नहीं मिल पा रहा है। उस गांव के लोगों की मांग है कि वो राजस्व ग्राम बने। हमने आश्वस्त किया है कि वो राजस्व ग्राम बनेगा, जैसे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि हमारा वनग्राम राजस्व ग्राम बने और वहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधा उनको प्राप्त हो सके। आज मैं मेरा ग्राम में जाकर उन सभी 25 परिवार के लोगों के साथ में बैठकर उनके हालचाल भी जाना, उनको सरकार की योजना का लाभ कैसे मिल सके, अगर किसी प्रकार से कोई कठिनाई आ रही है तो संबंधित अधिकारियों के साथ में बैठ के उस गांव में एक चौपाल लगा के हमने निराकरण करने का काम किया है और आने वाले समय हमारा मेरा राजस्व ग्राम बन सके, इसके लिए हमने कार्रवाई भी प्रारंभ किया है। कैसे मजबूत हो, यहाँ पर लिखा हुआ है आंगनवाड़ी का समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक के ये आंगनवाड़ी खुली रहेगी और यहाँ पर हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहने रहेगी, हमारे सहायिका बहने रहेगी और हमारे जो बच्चे आएंगे उन बच्चों को कैसे बैठना है ये सिखाया जाएगा, उन बच्चों को खेल खेल में वस्तुओं को पहचानना सिखाएंगे, ए से लेके जेड तक के ABCD सिखाएंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे बच्चों को इस आंगनवाड़ी केंद्र में सिखाएंगे और उस आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से बच्चों को का मनोबल बढ़ेगा, बच्चे एक अच्छी व्यवस्था में आने वाले क्लास में जब जाएंगे, जब इन बच्चों को पहली क्लास में भेजेंगे तो बच्चों का आधार बना रहेगा, बच्चों को ये पता रहेगा कि बैठना कैसा है, बच्चों को ये पता रहेगा कि मेरे स्कूल का क्या टाइम है, बच्चों के ध्यान में रहेगा। वो सारा का सारा आधार तैयार जो किया जाता है वो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र से किया जाता है और उस आंगनवाड़ी केंद्र में अगर बैठने की व्यवस्था ना हो तो निश्चित रूप से हमारा आधार ठीक नहीं बनेगा। इसलिए सरकार ने सारे आंगनवाड़ी केंद्र भवन अच्छे बने, बाउंड्री वाल उसके साथ में, पहले के आंगनवाड़ी केंद्र बनते थे तो बाउंड्री वाल नहीं रहता था, अब सारे के सारे आंगनवाड़ी केंद्र में बाउंड्री वाल भी है ताकि बच्चे बाहर ना खेल सके, नहीं तो कई जगह हमने देखा आंगनवाड़ी केंद्र किराए से ले लिए, भवन बनाकर आज बाउंड्री वाल की व्यवस्था करके हमारे बच्चे दोनों यहाँ पढ़ ले
उसके लिए व्यवस्था बनवाए। आज उसका हमने लोकार्पण किया, हमारे कार्यकर्ता को हमने यहाँ पर समर्पित कर दिया ताकि हमारे बच्चों को बैठने की व्यवस्था अच्छी हो जाए, बैठे हमारे बच्चे, बैठना सीखे हमारे बच्चे, पढ़ना सीखे हमारे बच्चे। का जो आधार होता है, जो मूलभूत आधार होता है, उस मूलभूत आधार में आंगनवाड़ी केंद्र में हमारे बच्चे आएंगे। एक बार जोरदार ताली बजाइए सरपंच जी के लिए, जिन्होंने हमारे आंगनवाड़ी भवन 10 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का हमारा सभा मंच और ऐसे 12 लाख रुपए का हम इस ग्राम पंचायत में आज भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। इसी लामता ग्राम पंचायत के लिए हमारे बच्चे यहाँ से प्राथमिक शाला से पढ़ के माध्यमिक शाला लामता जाएंगे, उसके लिए बहुत भवन नहीं है, उसके लिए हमने 36,10,000 रुपए का एक माध्यमिक शाला भवन का हमने भूमि पूजन आज यहाँ पर किया। हम चाहते थे भूमि पूजन लामता में कर सकते थे, लेकिन हमेशा लामता में कार्यक्रम, हमेशा लामता में कार्यक्रम। हमने कहा कि लामता का जो हृदय स्थल है वो हृदय स्थल है खैरा, तो हमें लगा कि हृदय स्थल में भी हमको जाना चाहिए और आज हम हृदय स्थल में खैरा में पहुंच के आज इस गांव के लोगों की उपस्थिति में हमने 48,10,000 रुपए का भूमि पूजन लोकार्पण इस गांव में किया है। की योजना बना लिया हो उसकी स्वीकृति हो जाएगी और पाइपलाइन के माध्यम से आपको गांव तक आपके गांव में टंकी बनाएंगे, टंकी बनाने के साथ साथ आपके घर तक के पानी पहुंचाएंगे, आपके घर तक के पाइप का काम पहुंचाएंगे और अब आप अपने घर में नल चालू करोगे और अपने घर में पानी भर लोगे, ऐसा हमने किया है। ये किसकी सोच के कारण हुआ? ये सोच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि मेरे गांव में रहने वाला व्यक्ति जो स्वच्छ रहे उसके लिए शौचालय बना दिए, मेरे गांव में रहने वाला वो गरीब परिवार जिसके पास में छत नहीं है उसके लिए प्रधानमंत्री आवास का मकान बना देंगे और जिसके घर तक के पानी नहीं है उसके घर तक के स्वच्छ और शुद्ध पानी पहुँचा देंगे। ये देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है और उस सोच के साथ में आज हम आपके गांव में उसका भूमि पूजन की है। बहुत जल्दी आपके गांव में इसका भी भूमि पूजन करने आएंगे और हमारा पाइपलाइन का पानी बरसात खत्म हो जाए फिर हम पाइपलाइन का काम आपके गांव में भी चालू करवाएंगे ताकि आपको पानी मिल सके। इतना काम हम हमारे कारदान वाले रास्ते होते थे लेकिन हमारे शहर को जोड़ने वाला रास्ता नहीं था, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में सम्मानीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी बने और उन्होंने एक योजना बनाई और जिस योजना का नाम है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, उस प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कारण आज गांव लामता से लेकर ग्राम खैरा तक के डामर की रोड बन गई। मैं भी आ रहा था डामर की रोड देखा।